एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हम जिन के फ्रेंड ग्वान को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पर आया होता है। ये दोनों एक कॉफी शॉप पर आए होते हैं जहाँ पर फूलियांग भी काम करता है, लेकिन ये लड़की क्वान को उसके काम की वजह से रिजेक्ट कर देती है क्योंकि क्वान भी जिनके साथ मॉर्ग में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती है। इधर टैन जिन से मिलके उस पर्सन के बारे में पूछती है जिसका हार्ट उसके अंदर मौजूद था, लेकिन जिन उसे इस बारे में बताने से मना कर देती है क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ है। अब टैन उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है पर जिन उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। इधर क्वान अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है जिस दौरान वो टैन को देखता है जो कि हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट चार्ट को देख रही थी। क्वान उससे पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहती है और यहीं ये सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी का मेकअप कर रही थी। साथ ही साथ वो अपने डिसिपल्स को भी इस बारे में बता रही थी। फिर वो अपना काम निपटा कर बाहर निकलती है तो रास्ते में उसे क्वान मिलता है जो कि काफी खुश था। वो उसे बताता है कि एक लड़की ने मुझे वीचैट पर ऐड किया है और वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है, लेकिन जिन उसकी बात पर बिलीव नहीं करती तो क्वान उसे टैन की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर जिन शॉक हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि टैन ने क्वान के साथ फ्रेंडशिप क्यों की। जिसके बाद वो घर आ जाती है और शैंग के पास कॉल करके उसे बता देती है कि टैन अपने हार्ट डोनर को ढूंढ रही है और उसने क्वान के साथ फ्रेंडशिप की है ताकि वो उस हार्ट डोनर का पता लगा सके। अब उसकी ये बात बायजू भी सुन रहा था। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर डोनर की इन्फॉर्मेशन को रिवील क्यों नहीं किया जाता, तो जिन कहती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है और ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है जिसे डबल ब्लाइंड कहा जाता है और इसका पर्पस मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि डोनर कौन है तो उसे मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा और वो अच्छे से काम में फोकस कर पाएगा। यही नहीं, कई बार डोनर्स पेशेंट को ब्लैकमेल करते हैं और उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि डोनर्स की कुछ मेमोरीज पेशेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए दोनों की डिटेल्स को सीक्रेट रखा जाता है। खैर, आगे हम टैन को देखते हैं जो क्वान से मिलने के लिए आई हुई थी। तभी जिन भी वहाँ पर आ जाती है और क्वान को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तो क्वान बताता है कि हमारे ऑफिस का कंप्यूटर खराब है और टैन को इसकी काफी नॉलेज है, इसीलिए मैंने ही उसे कंप्यूटर ठीक करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तभी टैन क्वान को बताती है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं और एक दूसरे को जानते हैं। अब जिनको पता था कि टैन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वो उसे एक बार और याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी भले ही तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे दो, जिसके बाद जिन यहाँ से चली जाती है। तो टैन क्वान को वेट वाइप्स लेने के लिए भेज देती है। फिर वो एक पेन ड्राइव निकालती है और कंप्यूटर में लगाकर उसे हैक कर लेती है। इधर क्वान अपने फ्रेंड को बताता है कि शायद जिन मुझे लाइक करती है क्योंकि जब भी मैं टैन के साथ होता हूँ तो वो हमें देखकर काफी जेलस फील करती है। ये सुनकर उसका फ्रेंड हंसने लगता है और कहता है कि शायद जिन टैन के बारे में कुछ जानती है इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती और वैसे भी लड़कियां ही एक दूसरे को समझ सकती हैं। ये सुनकर क्वान गुस्से में यहाँ से चला जाता है और जैसे ही उसका फ्रेंड कंप्यूटर ऑन करता है तो टैन के पास सारा डेटा चला जाता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि जिस लड़की ने उसे हार्ट दिया था वो मियानो ही थी जो कि फूलियांग की गर्लफ्रेंड थी। इधर जिन एक यंग बॉय का मेकअप कर रही थी जिस दौरान वो उसके नेल्स को नोट करती है जो कि गावो की बॉडी की तरह पिंक थे। ये देखकर जिन क्वान को कहती है कि इस बॉडी के साथ एक प्रॉब्लम है। वो बताती है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी डेथ स्टार्वेशन के कारण हुई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि आज के टाइम में भला कौन स्टार्वेशन के कारण मरता होगा। और इसकी बॉडी पर कुछ क्लूज भी है जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी मौत हाइपोग्लाइसीमिया के कारण हुई है, लेकिन क्वान उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि इसकी मौत इसके घर पर हुई है और पुलिस ने भी इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। पर जब जिन उसे समझाती है तो क्वान रिपोर्ट्स को चेक करता है। इसे भी जिन बॉडी के शोल्डर को टच करती है तो देखती है कि इसके मसल्स काफी इलास्टिक है। अब ये बात वो क्वान को भी बताती है और कहती है कि हमें ये बॉडी 2 दिन यहीं पर रखनी होगी क्योंकि उसके नेल से काइनोसिस क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर क्वान कहता है कि ये करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसका क्रिमेशन कल सुबह ही होने वाला है। तो जिन कहती है कि ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। तभी एक कोवर्कर क्वान को आकर बताता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है और इतना सुनते ही क्वान दौड़ते हुए बाहर भागता है और देखता है कि टैन यहाँ पर आई हुई थी। टैन उससे पूछते है कि जिन कहाँ पर है, तो क्वान बताता है कि वो मेकअप रूम में बिजी है। खैर, ये दोनों बातें करते हैं। इससे बीच टैन क्वान को कॉफी देती है और जैसे ही क्वान का ध्यान उसके हाथ की ओर चला जाता है तो टैन चुपके से वो पेन ड्राइव निकाल लेती है। तभी जिन भी यहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अब क्वान उसे देखकर खुश नहीं था, वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जिन टैन पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और तुम मेरे फ्रेंड की शराफत का फायदा उठा रही हो, लेकिन अगर क्वान तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी क्वान कहता है कि तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो और साफ साफ कहो कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनकर जिन कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं भला तुम्हें पसंद क्यों करूंगी। अब वांग भी यहाँ पर आ जाता है और जिन को खींच कर बाहर ले जाता है। अगले दिन जिन रियू फांग को पूछते है कि उस पर्सन को अवेयर कैसे किया जाए जिसके पास एक लड़की गलत इरादे से आई हो।
जिस पर रियो फैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, टाइम के साथ वो इंसान ये बात समझ जाएगा। इसी बीच जिन देखते हैं कि रियो फैंग एक नॉवल लिख रहा है जो कि बाइजू और जिन के ऊपर ही बेस्ड है। ये देखकर जिन कहती है कि मुझे भी इस नॉवल की रॉयल्टी पेमेंट मिलनी चाहिए और ये जो तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा है पहले इसे ठीक करो। इधर हम क्वान को देखते हैं जो कि टैन के पास कई सारे मैसेज करता है, लेकिन टैन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। ये देखकर वो काफी अपसेट हो जाता है और उसे लगता है कि शायद जिन की वजह से टैन उसे नाराज हो गई है। अगली सुबह जब वांग वहां पर आता है तो देखता है कि क्वान सोफे पर लेटा हुआ है और उसकी आंखें भी खुली हुई है और वो कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। ये देखकर वांग डर जाता है और उसके फेस को टच करता है तो क्वान उसके हाथ को पीछे कर देता है। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकते थे, मुझे तो लगा कि शायद तुम मर गए हो। जिस पर क्वान कहता है कि मेरा दिल टूट गया है तो वांग कहता है कि 9 बज चुके और हमें काम पर जाना है, इसलिए जल्दी से उठ जाओ वरना मास्टर हमें डांटेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वान हॉस्पिटल में भी काफी उदास बैठा हुआ था। मास्टर उसे देख लेते हैं और वांग को पूछते हैं कि इसे क्या हुआ तो वो बताता है कि उसका दिल टूट गया है। इधर शैंग जिन को बताती है कि टैन के अंदर मियानो का हार्ट है, लेकिन पता नहीं वो मियानो के बारे में जानने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। जिसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि मियानो फ्यूलैंग के रेस्टोरेंट में पहली बार खाना खाने के लिए आई थी और यहाँ बातों ही बातों में इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। अब प्रेजेंट टाइम में फ्यूलैंग अपने रेस्टोरेंट में होता है, तभी टैन मियानो की तरह बनकर उसके पास आ जाती है। ये देखकर फ्यूलैंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल मियानो की तरह ही लग रही थी। दरअसल फ्यूलैंग ने कुछ टाइम पहले मियानो की हैबिट्स को लेकर एक पोस्ट की थी जिसमें टैन को पता चला कि मियानो अपनी फ्रेंड्स के साथ डेली फ्यूलैंग के होटल में आया जाया करती थी। फ्यूलैंग भी उसी का वेट किया करता था जिस कारण से दोनों के बीच प्यार हो गया। अगले दिन टैन अपने कलीग्स के पास जाती है और वो दोनों टैन को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि टैन ने अपनी पूरी लुक्स को चेंज कर लिया था। अब इनमें से एक टैन की फोटो क्लिक करता है और दूसरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, तो टैन कहती है कि हाँ कोई है जो मुझे लाइक करता है और अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें खाने का बिल पे करना होगा। ये दोनों उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर हम जिन को देखते हैं जो कि थोड़ी उदास लग रही थी। वहीं बाइजू और रियू फैंग उसे दूर से देख रहे थे। रियू फैंग बाइजू को बताता है कि जिन का मूड ऑफ लग रहा है और शायद वो अपनी फ्रेंड की वजह से अपसेट है क्योंकि एक लड़की ने उसके फ्रेंड को बेवकूफ बनाकर उसका दिल तोड़ दिया। ये सुनकर बाइजू पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तो रियू फैंग कहता है कि ये मेरे लिए एक नॉर्मल बात है कि लड़कियां मेरे साथ अपने सीक्रेट शेयर कर लेती हैं क्योंकि मैं इतना चार्मिंग जो हूँ। खैर बाइजू उसके हाथ से एप्पल लेकर जिन के पास जाता है और उसे खाने के लिए देता है। इसी बीच वो उससे पूछता है कि जिस लड़के को मासूम सी दिखने वाली लड़की ने पागल बना दिया, क्या तुम उस लड़के को पसंद करती थी? तो जिन कहती है कि मैं इस बात से परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि वो लड़की इलीगल तरीके से ऑर्गन डोनर को फाइन कर रही थी। अब जिन बाइजू को हेल्प करने के लिए कहती है पर बाइजू उसे मना कर देता है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारी आईब्रोज काफी थिक है, इसीलिए अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी फुल बॉडी मसाज और फेशियल केयर करूंगी। ये सुनकर फाइनली बाइजू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर टैन दोनों कलीग के साथ फ्यूलैंग के होटल पहुंचती है और फ्यूलैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि ये वही लड़का है। तभी फ्यूलैंग ऑर्डर देने आता है तो टैन उससे फ्लर्ट करती है पर उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर क्वान अभी भी टैन की वजह से अपसेट था तो वांग उसे कहता है कि तुम्हें शायद एक बार और टैन के पास कॉल कर लेनी चाहिए और उसे घूमने के लिए इनवाइट करना चाहिए और अगर उसे तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो वो तुमसे बात जरूर करेगी। अब क्वान कॉल करने से पहले काफी सोच विचार करता है क्योंकि उसे डर था कि टैन इस बार भी उसका कॉल नहीं उठाएगी और अगर उसने उठा भी लिया तो वो उसके साथ बात नहीं करेगी। खैर वो उसे कॉल कर देता है और फाइनली टैन उसकी कॉल पिक कर लेती है। क्वान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल के पास ही हूँ, इसलिए क्या तुम कैंपस में आ सकती हो? तो टैन कहती है कि नहीं, फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खाने आई हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और क्वान दोबारा से अपसेट हो जाता है। इधर ये दोनों कलीग्स फ्यूलैंग को आवाज लगाकर कहते हैं कि ब्रदर इन लॉ तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब ये सुनकर फ्यूलैंग सोच में पड़ जाता है और टैन के पास आकर कहता है कि शायद तुम्हारे कलीग समझ रहा है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिस पर टैन कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ लेना देना होगा इसलिए उन्होंने तुम्हें ब्रदर इन लॉ बुलाया और ये बात तुम्हें उन दोनों से पूछनी चाहिए थी और वैसे भी काउंटर पर 2 लड़की और मौजूद हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने उनमें से किसी और को ब्रदर इन लॉ बुलाया हो। दरअसल टैन जानबूझकर बात को घुमा रही थी, फिर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम बाइजू और जिन को देखते हैं जो कि दोनों कंपनी में होते हैं। तभी इन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनते ही बाइजू जिन को साइड में छिपा देता है। तभी क्विंटो यहाँ पर आ जाता है और बाइजू को टैन की मेडिकल रिपोर्ट देता है और इस काम के बदले में उसने क्विंटशैंग के लिए 1 वीक की हॉलीडे की डील की थी। अब क्विंटो को जाने के बाद जिन बाहर आ जाती है और टैन की रिपोर्ट को देखने लगती है। इसी बीच उसके नजर सामने रखी एक स्कार्फ पर पड़ती है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। अब जिन उसे ट्राई करती है और अपने फोन में सेल्फी लेने लगती है तो बाइजू उसकी हेल्प करता है और काफी सारी फोटोज क्लिक करता है।
इसी बीच यहाँ पर क्विनशांग चिल्लाते हुए आता है, जिसे देखकर ये दोनों छिप जाते हैं क्योंकि क्विनशांग हॉलिडे के लिए तैयार नहीं था। पर उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों उसे देखकर हंस रहे थे। इसी बीच बाईजू को पेन फील होने लगता है, तो वो जिन का हाथ पकड़ लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, जिसके बाद हम शांग को देखते हैं जो कि फ्यूलंग से मियानो के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ शांग फ्यूलंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अब मियानो को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। इसी बीच फ्यूलंग उसे बताता है कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो कि सेम मियानो जैसी दिखती है, और उसे देखने के बाद मैं मियानो को नहीं भूल पा रहा। तभी हम टान को देखते हैं जो कि बाहर से इन दोनों को देख रही थी। अब इन्हें साथ देखकर वो काफी जेलस फील करती है और उसके हार्ट में पेन होने लगता है। अगले दिन डॉक्टर लिन जिन से मिलकर कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रेड बॉडीज का मेकअप करती हो, इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो जिन कहती है कि ठीक है, दोपहर को मेरे पास काम है, इसलिए आप मेरी हेल्प कर देना। अगले सीन में जिन डॉक्टर के साथ मेकअप रूम में होती है, जहाँ जिन एक रिपोर्ट बना रही थी और डॉक्टर उसे ध्यान से देख रहा था। तभी वो कहता है कि हार्डवर्क करने वाली लड़कियां अक्सर ब्यूटीफुल होती हैं। दरअसल यहाँ पर डॉक्टर जिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, यही नहीं जिन भी उसे भाव दे रही थी। खैर आगे दोनों बातें करते हुए बाहर आते हैं। इधर बायजू भी एक बुके लेकर उधर की तरफ ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो इन दोनों को देखता है तो वो साइड में छिप जाता है। अब डॉक्टर जिन के साथ काफी बातें करता है, इसी बीच वो उसका हाथ भी पकड़ता है। जिन भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बायजू इन दोनों को देखकर काफी जेलस फील कर रहा था। अब डॉक्टर के जाने के बाद बायजू जिन के पास जाता है, तो जिन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, जिस पर बायजू कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बुके परचेज करने के लिए आया था, ना कि तुमसे मिलने। फिर वो उससे कहती है कि शायद तुम अपने एक्स को ये बुके देने आए हो, लेकिन बायजू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से सीमेंट्री की ओर जाने लगता है। जिन भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो बार बार उसे पूछते है कि तुम्हारी एक्स कहाँ पर रहती है, पर असल में बायजू अपने काफी पुराने दोस्त की ग्रेव पर आया होता है। अब यहाँ पर बायजू अपने दोस्त की ग्रेव को सैल्यूट करता है, जिसे देखकर जिन भी उसे सैल्यूट करती है। फिर वो उसे बताता है कि चैन मेरा क्लासमेट था और बूट कैंप के दौरान हम लोग एक महीने सेम लीग में थे, पर बाद में चैन नेवी में चला गया, जहां वॉर के बाद वो ताइवान आकर रहने लगा और उसका सपना था कि वो वापस से अपने घर जाए, लेकिन डेथ हो जाने के बाद ही वो अपने घर वापस आ पाया, जिसके बाद ये दोनों किन की गिरफ्त पर जाते हैं। तो जेन बायजू को पूछती है कि क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो बायजू कहता है कि नहीं, ये मेरी नहीं बल्कि चैन की फियांसे थी, पर वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सके क्योंकि चैन को वॉर में जाना पड़ा था। अगले सीन में हम फ्यूलैंग को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी टैन उसके होटल आती है, तो वो उसे उसका ऑर्डर देने जाता है। इसी बीच फ्यूलैंग को पता चलता है कि टैन कंप्यूटर स्टडी कर रही है। अब फ्यूलैंग के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए वो टैन से हेल्प लेता है। ये देखकर टैन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो फ्यूलैंग के करीब आने का मौका चाहिए था। इधर चैंग टैन की डॉक्टर से मिलती है, तो डॉक्टर उसे टैन के बारे में बताती है, साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि टैन को सपने में कोई पर्सन दिखाई देता है। ये सुनकर चैंग पूछती है कि वो पर्सन दिखने में कैसा है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि मुझे भला ये कैसे पता होगा क्योंकि उसे तो सिर्फ टैन ही देख पाती है। जिसके बाद हम जिन और बायजू को देखते हैं जो कि मॉर्ग में मौजूद स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। दरअसल बायजू फील करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर डेथ के बाद कैसा लगता होगा। इसी बीच वो जिन को बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों लेटी हुई हो, तो जिन कहती है कि मैं भी फील करना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ लेट कर कैसा लगता है। ये सुनकर बायजू उठ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की को डेट करने की जरूरत है। तो जिन उल्टा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें इतने सालों से किसी से भी प्यार नहीं हुआ, जिस पर बायजू कहता है कि मैंने आज तक सिर्फ अपने पेरेंट्स और रियूफेंग से प्यार किया है। ये सुनकर जिन शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।